Hello everyone, my name is Badu Mori and I am an English and HS teacher in Sahajan English Freedom School at Natajuna. And now we start our new chapter, chapter number 9, right, standard 8, chapter number 9, the freedom movement of 1857 CE. Okay. So this chapter is very informative chapter, really, about history, right, and how we got freedom and all that. So student, listen very carefully. Really, it's very going to be interesting chapter. This one, last chapter of this semester one, right? So here this one, and I'm going to read now. Nationalism emerged in India due to the not only the arrival of Europeans but also their behavior and policies. Chala isko highlight kar lo. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of Europeans. देखो, in India nationalism emerged. That means जो देश के प्रति जो feelings है, nationalism राष्ट्रवाद है, वो इस वजह से नहीं हुआ कि Europeans हमारे देश में आए, ठीक है? जो लोग हमारे देश में आए और यहाँ पे settle हुए, हम पे rule किया. उसकी वजह से एक यही रीज़न नहीं है कि नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, मगर उसका दूसरा पहलू यह है, बट ऑल्सो देयर बिहेवियर एंड पॉलिसीज. उन लोगों ने जो बिहेवियर किया हमारे साथ और जो उन लोगों ने जो पॉलिसी हम पे एक्सरसाइज की, हम पे इम्पेक्ट किया उसकी पॉलिसी ने, वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है नेशनलिज्म इमर्ज होने में इंडिया में. एंड इम्पोर्टेंट इवेंट हैपन इन इंडिया इन द ईयर 1857 CE. 1850 में सबसे इम्पोर्टेंस इवेंट घटी, हैपन हुई, अक्का हुई, बहुत ही इम्पोर्टेंस, दैट वी गोइंग टू नो अबाउट दैट इवेंट 1857, विच बिकम द फर्स्ट इन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेटिंग द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन अ कंट्री. तो ये एक ऐसी इवेंट थी जिसकी वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म का सेंटिमेंट था, नेशनलिज्म का जो इमर्ज हुई, ये इसकी वजह से हुआ. 1857 की जो इवेंट थी उसने ये पूरा देश को एकजुट कर दिया. दिस इवेंट लाइक लाइक अ की एंड इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अस. तो हाउ द दिस सिचुएशन हैपन एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, वो पूरी चीज़ है वी गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर. देखो, फर्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 CE. कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से ये जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट यानी क्रांति थी 1857 की, ये आउटब्रेक हुई यानी कि बाहर आई, वो हुई, व्हाट आर द रीजन. फर्स्ट रीजन इज दैट हियर इज द अबाउट द रीजन. द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 CE वॉज वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल इन इंडिया ड्यू टू द सुप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एडोप्टेड टू स्प्रेड देयर एम्पायर इन इंडिया. सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट रीजन ये था कि ये जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी और उनका जो सुप्रेसिव नेचर था, उसकी जो सुप्रेसिव पॉलिसी थी, जो क्रूल पॉलिसी थी, वो इंडिया के पीपल के ऊपर एस्टेब्लिश की, उसके ऊपर एडोप्ट किया उन लोगों ने, उसकी वजह से, और वो लोग पूरे इंडिया में अपना एम्पायर स्प्रेड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, उसकी वजह से पूरे मुल्क में, पूरे देश में अनसेटिस्फेक्शन स्प्रेड हो गया ब्रिटिशर के खिलाफ. क्योंकि वो जो पॉलिसी उन लोगों ने लाई है वो बहुत ही क्रूर थी, जो इंडियन पीपल के लिए अच्छी नहीं थी. लेट अस रिव्यू द रीजन द डिटेल अबाउट व्हाट लेड टू दिस डिससेटिस्फेक्शन दैट वी नो नाउ. लेट्स फाइंड आउट, लेट द रिव्यू, गेट द रिव्यू अबाउट दैट रीजन, व्हाट आर द रिव्यू, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, दैट वी नाउ नो. फर्स्ट थिंग इज दैट सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स. सबसे पहला रीजन था सोशल एंड रिलीजियस रीजन. सी, इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री, लाइक दिस यू कैन से दैट, वेरी आध्यात्मिक कंट्री, वेरी स्पिरिचुअल कंट्री. इन इंडिया वी कैन इजीली सी दैट इन द यूनिटी इन टू द डाइवर्सिटी, राइट. एकता में विविधता में एकता है हमारे देश में. इन द होल वर्ल्ड इंडिया इज ओनली कंट्री दैट हैव अ लार्ज डेमोक्रेसी, राइट. And in India, all the religious people are living in India. सभी प्रकार के धर्म के लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं. तो
क्या था रीजन देखेंगे हम अभी, सोशल एंड रिलीजियस रीजन, सामाजिक और धार्मिक रीजन क्या था देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। देखो ब्रिटिश ने जो पॉलिसी मेड की जो रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म यानी कुछ दे वांट टू रिफॉर्म दैट, दे वांट टू चेंजेस करना चाहते हैं, तो कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रिफॉर्म किया जिसकी वजह से लोगों में ऐसा फील हुआ कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे रिलीजन्स के खिलाफ है। तो पीपल ऑफ इंडिया फील वेरी अनसिक्योर एंड सस्पिशियस, यानी शंका की नज़र से वो रिफॉर्म को देखने लगे। दे फेल दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस फॉरएवर। तो इंडियन पीपल सोचने लगे कि गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि सभी को इंडियन हिंदू मुस्लिम सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, उनको क्रिश्चियन बनाया जाए और इंडिया का जो हेरिटेज कल्चर है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, इंडिया का जो रिलीजन है उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज जेल्स एंड मिलिट्री। इंडिया के जो पीपल थे 1997 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सोचते थे कि जो सोशल सिस्टम उस प्रकार के था कि लोग ये सोचते थे अंडरमाइंड है कि रेलवे है और जेल है, मिलिट्री, सारी चीज़ें में जो लोग, वो लोग कुछ कर रहे थे, रिफॉर्म कर रहे थे और जेल को बढ़ा रहे थे, मिलिट्रीज को बढ़ा रहे थे, वो सारी चीज़ें वो लोग इंडिया के पीपल काफ़ी नेगेटिवली सोचते थे, वो सही भी था। और लार्जर सेक्शन ऑफ आर कंट्री वॉज ऑर्थोडॉक्स एट दैट टाइम एंड दस द न्यू चेंजेस अराउज डिससेटिस्फेक्शन इन दैम। देखो उस टाइम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल थे इंडिया के, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि रूढ़ी चुस्त थे, मान्यता जो वो लोग मानते थे उसी को बिलीव करते थे, दूसरी किसी चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थे। तो इस प्रकार के पीपल ज़्यादा थे इंडिया में, तो उसकी वजह से उसने ब्रिटिशर के साथ अपोज कर दिया और वो ही मेन रीज़न था। ये पीपल अपने कुछ ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग थे उसको, दे डोंट वॉन्ट टू चेंज दैट, दैट्स वाई द डिससेटिस्फेक्शन स्प्रेड इन ऑल आवर कंट्री। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैनी पीपल ज्वाइन दिस फ्रीडम मूवमेंट टू द सस्टेन देयर सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो बिकॉज ऑफ दैट द इंडिया नाउ बिकमिंग ए यूनाइट, वो एक होने लगे एक ही चीज़ की वजह से, रिलीजियस की वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल थे इंडिया में उस टाइम पे वो ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा थे, अपने धर्म पे, अपने श्रद्धा पे, अपने मान्यता पे, दे कल्चर, दे सिस्टम्स, दे बिलीफ पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उसकी वजह से पीपल एकजुट हुए अपने धर्म की वजह से, ठीक है, और उस मोमेंट को दे गिव टू सपोर्ट बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये पहला रीज़न था सोशल और रिलीजियस रीज़न, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीज़न था इकोनॉमिक रीज़न, फाइनेंशियल, है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं, मगर इंडिया में तो सोशल और रिलीजियस रीज़न को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है अभी भी। इट्स यू नो, हम उसको क्या कह सकते हैं, ये हमारी बदनसीबी है, दिस इज़ अवर यू नो अनफॉर्चुनेट दैट पीपल ऑफ इंडिया स्टिल मैनी पीपल यू नो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग एंड मैनी पीपल हु बिलीव मोर इन सोशली एंड रिलीजियसली वो कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं, मगर वो कुछ अलग चीज़ है। सो वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट, वी जस्ट स्टिक ऑन अवर पॉइंट। सेकेंड रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर का ये एम था कि किसी भी हाल में ब्रिटिश को, इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा धनवान बनाना है, पैसे वाला बनाना है। उसका कोस्ट क्या होगा, इंडिया के कोस्ट से, यानी कि इंडिया गरीब हो जाए, इंडिया के पैसे से, इंडिया के सारे जो रिसोर्स है उसका यूज़ करके, इंडियन की जो इंडस्ट्रियल का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली उसको पूरी तरह से कॉलैप्स करके इंग्लैंड को प्रॉस्पेरिटी देना, इंग्लैंड को प्रॉस्पेरिटी बनाना, यानी बहुत शक्तिशाली पैसे वाला बनाना। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडिया सोसाइटी बिकम इम्पॉवरिज्ड, यानी कि इसका रिजल्ट ये है कि जो ब्रिटिशर ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी एस्टैब्लिश की उसकी वजह से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, हमारा जो बिजनेस था, लोकल बिजनेस था,
कॉटेज बिजनेस था, पूरी तरह से कॉलेप्स हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस लॉस्ट हो गया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई इंडिया में, इम्पोरिस्ट ज़्यादा हो गए। द लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट हैविंग लॉस्ट देयर लैंड्स एंड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट, जो किसान थे और लैंडलॉर्ड्स थे जमींदार, वो लोग ने अपनी ज़मीन गुमाने लगे और उसकी वजह से वो लोगों ने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया। दो रीज़न हो गए, एक सोशल और रिलीजियस रीजन और सेकंड रीजन था इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। थर्ड वन था पॉलिटिकल रीजन, तो वो क्या था वो देखेंगे। पॉलिटिकल रीजन था द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जिसको दीवानी राइट्स कहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 CE। वी नो दैट इन द 1764 ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ बक्सर, एंड बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद उसका रीज़न ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली उसके बाद दीवानी राइट्स मिल गए, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का सीधा राइट्स उसको मिल गया, ठीक है। तो दिस वॉज फॉलो बाय एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दूसरी जो पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस की वजह से वो एग्रेसिवली काफ़ी वो आगे बढ़ने लगे, अपने अपने रूल को एक्सपेंड करने लगे। एंड देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ एनेक्जेशन, एनेक्जेशन पॉलिसी की वजह से जो भी राज थे रजवाड़े थे उन लोगों को एनेक्स यानी उस पे ऊपर हक करने लगे, उसको छीनने लगे। एंड मैर डिप्लोमेसी, एंड उसकी जो डिप्लोमेसी थी वो काफ़ी काफ़ी डिवाइड एंड रूल काइंड ऑफ थी। तो सारी चीज़ें ये पॉलिटिक्स में वो लोग करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार हु वर अमंग द फ्यू ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसीज। तो कुछ एग्जांपल है ये एनेक्सी पॉलिसी के और सब्सिडरी पॉलिसीज के, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मी आप लोग जानते हो, उसने अपना पूरा राज घुमा दिया, वो राजा कुंवर सिंह जी थे बिहार के, उन्होंने भी ऐसी उसकी हालत हो गई, वो भी उसके विक्टिम बने इस पॉलिसी के। जॉइन द रिवोल्ट टू रिगेन देयर टेरिटरीज, को वो लोग झांसी की रानी और कुंवर सिंह जी भी अपने अपने टेरिटरीज को वापस पाना चाहते थे, अपनी अपनी जो जो लॉस्ट किया है वो उसको वापस वो लेना चाहते थे, तो उसकी वजह से उन लोगों ने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट यानी लैंडलॉर्ड जमींदार और पीसेंट यानी किसान थे, वो हैड लॉस्ट देयर लैंड, वो भी उन लोगों ने भी अपनी ज़मीन घुमाई, तो वो भी उन लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो ये था पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस और एनेक्सी पॉलिसी थी उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, जो किंग और लैंडलॉर्ड्स और पीसेंट और जो भी थे उन लोगों को, तो उसकी वजह से उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद रीज़न था मिलिट्री रीज़न, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर वॉज वेरी लेस इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, तो नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर वॉज वेरी लेस वास्ट कंट्री इंडिया लाइक इंडिया, जितनी बड़ी कंट्री में ब्रिटिशर ऑफिस थे वो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कम थे, बहुत कम थे। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है ना, उस टाइम पे भी थी, इससे भी बड़ी थी। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो ब्रिटिश सोल्जर थे वो काफ़ी कम थे, मगर द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर टू द ब्रिटिश सोल्जर वॉज अप्रोक्सीमेटली 6:1, यानी कि जो रेशियो था सोल्जर के बीच में, तो एक ब्रिटिशर था उसके सामने 6 इंडियन सोल्जर थे, यानी ब्रिटिश के लिए जो लड़ते थे ब्रिटिशर के जिनको सैलरी देती थी, तो एक सोल्जर ब्रिटिश का था और 6 सोल्जर इंडिया के थे इन द मिलिट्री में। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वॉर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती थी वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर के लिए रिजर्व की जाती थी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर तो इंडियन थे, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, तो भी जो डिससेटिस्फेक्शन हुआ। द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर, कुछ अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी कम थी इंडियन सोल्जर के लिए आगे बढ़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी में। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एन इंडियन सोल्जर एंड द ब्रिटिश सोल्जर, और सबसे बड़ा इशू ये था कि जो सैलरी थी तनख्वाह थी वो काफ़ी कम थी कंपेरिजन टू ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सोल्जर को ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, ज़्यादा सैलरी मिलती थी,
मगर इंडियन सोल्जर जो ज़्यादा थे उनको कम सैलरी मिलती थी। द इंडियन फूड सोल्जर रिसीव 7 रुपीज। जो इंडिया के जो पैदल या नीचे चलने वाले सैनिक थे, जो नॉट ऑन द हॉर्स, तो जो फूड सोल्जर थे उन लोगों को सिर्फ 7 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, 7 रुपीज़ उस टाइम पे। जबकि वाइल द ब्रिटिश सोल्जर रिसीव 150 रुपीज़ पर मंथ, जबकि ब्रिटिश सोल्जर थे उनको 150 रुपीज़ पर मंथ मिलता था। सोचो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंट। इतनी बड़ी कंट्री में ज़्यादा सोल्जर इंडिया के होने के बावजूद भी सैलरी कम मिलना इंडियन को और ब्रिटिश सोल्जर को इतना ह्यूज अमाउंट मिलना, तो वो ज़रा बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। तो ब्रिटिश सोल्जर थे वो इंडियन सोल्जर को कुछ मायने ही नहीं देते थे, उनको लगता ही नहीं था ये सोल्जर है, उसको इस तरह से वो अवॉइड करते थे, वो देखते थे। एज पर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस द इंडियन सोल्जर वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी। जैसे कि अब उस टाइम पे ऐसा कुछ थिंकिंग थी, मान्यता थी कि रिलीजियंस में कि कोई भी रिलीजियंस की रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडियन सोल्जर है वो सी को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी समुद्र के पार वो नहीं जा सकता। और एज द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज अ आउटकास्ट, अगर उसने ऐसा कुछ अगर किसी ने किया है तो उसको कास्ट से बाहर निकाला जाता था। डिस्पाइट दिस कस्टम, इस सिस्टम की वजह से, ये कस्टम की वजह से द इंडियन सोल्जर वर कंपेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल फॉर द ब्रिटिश। ये रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन की वजह से, रिलीजन रिस्ट्रिक्शन है कि भाई कोई भी रिलीजन्स जो था उस टाइम पे मान्यता थी कि कोई जो फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू है, हिंदू सोल्जर है, तो वो सी को क्रॉस नहीं कर सकता था, वो सी के बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। तो उसकी वो होने के बावजूद भी ब्रिटिशर उस पर प्रेशराइज करते थे, उसको सी क्रॉस करवाते थे, और वो जो ब्रिटिश की जो फाइट थी, ब्रिटिश जो जिसके साथ युद्ध करते थे उसको फॉर द फाइट ऑफ ब्रिटिशर, सो उसके लिए उसको जाना पड़ता था सी को क्रॉस करके। दस लाइक अदर इंडियंस, दूसरे इंडियंस की तरह ही द सोल्जर टू फेल्ट दैट देयर रिलीजन वॉज एट स्टैक। तो जैसे इंडिया के सभी लोग मानते थे, उसी प्रकार से इंडियन सोल्जर भी मानने लगे कि ये लोग भी हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। द सोल्जर बींग अ पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, द सोल्जर तो इंडियन सोसाइटी की पार्टी है डेफिनेटली, एंड शेयर द सेम सेंटिमेंट ऑफ ग्रीफ, सस्पिशियस एंड एंगर एज अदर डू। जिस तरह से दूसरे लोगों में, पीसेंट में, लैंडलॉर्ड्स में, जो दूसरे किंग थे, ठीक है, राजा रजवाड़े थे, जो उन लोगों में जो डिससेटिस्फेक्शन था, वो सेम डिससेटिस्फेक्शन इंडियन सोल्जर में भी आ गया था, क्योंकि इंडियन सोल्जर फाइनली है तो इज ए इंडियन। तो उन लोगों की जो भी कोई ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग थी, उसका कस्टम था, उसको भी ऐसा लगने लगा कि ये हमारे धर्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इंडिया में पहले से ही रिलीजियस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, अभी भी है, अभी भी नेता लोग ऑन द बेस ऑफ रिलीजियंस वो अपने वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या चाहिए हमें, डेवलप चाहिए या फिर हमें रिलीजन चाहिए, क्या चाहिए। वी वांट टू वेलफेयर ऑफ आवर फैमिली, वी वांट टू गुड लाइफ, वी वांट टू डेवलप आवर सेल्फ, वी वांट टू इंक्रीज आवर वेल्थ, वी वांट टू यू नो, वी वांट टू इंक्रीज आवर लाइफस्टाइल, वी वांट टू यू नो आवर लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर्स इंप्रूवमेंट, क्या चाहिए वो ज़रा हमें सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज द इमीडिएट रीज़न, तो इमीडिएट रीज़न था कौन सा था हम देखेंगे, ठीक है। देर वर अ वेरियस रीजन फॉर द राइजिंग एंगर इन द डिस कंटेनमेंट अमंग द पीपल टूवर्ड द ब्रिटिश रूल, राइट। काफ़ी सारे रीजन थे जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे इन जनवरी 1857 अ न्यू राइफल, एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन आर्मी। जरा इसको अंडरलाइन कर, जनवरी 1857 में एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है, इंडियन आर्मी उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया। द कैटरेज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। इसका जो कैटरेज था, उसका जो मुँह का जो हिस्सा था, उसको यूज़ करने से पहले उसको मुँह से ऐसे निकालना पड़ता था।
The catrice was greased with that fat of cow and pig. तो जो कैटरिस था, कारतूस था, उसको कारतूस को तोड़ने से पहले उसको मुँह से ऐसे तोड़ना पड़ता था, उसके बाद उसको लोड किया जाता था। मगर जो कारतूस का जो उसके ऊपर जो ग्रीस थी, ठीक है, उसको जो ग्रिप किया गया था, उसको ग्रीस किया जाता था, वो गाय और पीक यानी सुअर की चमड़ी से, उसके मांस से उसको किया जाता था। वो था रॉयल एनफील्ड में वो चीज़ थी। फॉर द हिंदूज, आप जानते हैं, फॉर द हिंदू दे बिलीव इन टू काम, वो काम हिंदू के लिए काम बहुत बिलीफ है, और मुस्लिम के लिए अपी गया। तो मुस्लिम का पॉक वॉज प्रोहिबिटेड बाय द रिलीजन। तो मुस्लिम में पॉक प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, और हिंदू में गाय के मांस को छूना तो बहुत दुख की बात है। तो ये दोनों चीज़ थी। हैंस दे फेल्ट दैट, तो उन लोगों ने फेल्ट किया कि द ब्रिटिश वॉर डेलिबरेटली ट्राइंग टू dissatisfy, right? dissatisfy their religions. तो लोग चाहते थे कि पक्का कर लिया कि ये जो ब्रिटिशर है वो अपने रिलीजन्स को पूरी तरह से स्पॉयल करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से अपवित्र करना चाहते हैं। द रीजन टू देयर कंप्लेन इन द सेम रिगार्ड वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उन लोगों ने कंप्लेन भी की ब्रिटिश सोल्जर ने, यानी कि इंडियन सोल्जर ने ब्रिटिशर को, इंग्लैंड को, कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को, हम ये हमारे रिलीजन्स के खिलाफ है, आप उसका कुछ करो। मगर जो रिप्लाई था वो अनसेटिस्फाइड था, वो उनके सेटिस्फाइड नहीं हुए। हैंस उसकी वजह से क्या हुआ, हैंस द 19th बैटलियन ऑफ बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूज ऑफ कैटरेज। इसको एक अंडरलाइन कर लो, तो ये पूरा कैटरिस तक। तो इसका रीज़न ये हुआ कि 19th बटालियन थी बैरकपुर, 19th बटालियन बैरकपुर, उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया इस कैटरिस को यूज़ करना, कि हम इस कैटरिस को यूज़ नहीं करें, कारतूस को इस यूज़ नहीं करेंगे हम। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये हुआ कि एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंड। तो इसका रिजल्ट ये हो गया कि पूरी बटालियन को डिसबैंड कर दिया, उसको बैन कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस रीज़न हो गया मिलिट्री तक, इमीडिएट रीज़न ये था दिस वन, ठीक है। सो वी हैव टू पुट, आई हैव टू पुट पोस्ट दिस वीडियो ऑन दिस पॉइंट। आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट फ्रॉम माय साइड, राइट। वी कंटिन्यू अवर वीडियो लेक्चर एट दिस पॉइंट, प्लानिंग ऑफ रिवोल्ट एंड मंगल पांडे, ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट फ्रॉम माय साइड, राइट। सो प्लीज़ स्टे ऑन, स्टे सेफ, टेक केयर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।